सैलाब जदगान की मदद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा सैलाब से मुतासिर हो गया है, जिसमें एक दिन के बच्चे से लेकर के बूढ़े जवान, औरतें, मर्द सब लोग मौजूद हैं, जिनके घर, साजो सामान, मवेशी और खेत खलियान सब जद में आ गए हैं। घर तो घर, लोगों के ख़ानदान और पूरे पूरे गांव जद में आ गए हैं, तबाह व बर्बाद हो चुके हैं, कुछ भी बाकी ना बचा है। तो आइए उनकी मदद करते हैं। आप लोग जहाँ रहते हैं उस इलाके में और मेरे भी इलाके में जगह जगह कैंप्स लगे हुए हैं। हम जिस हैसियत से भी, जिस तरीके से भी हम उनकी मदद करें वो कम है, क्योंकि हम उनकी बेबसी का, उनके आंसुओं का अजाला नहीं कर सकते कि वो किस कदर गम और रंज में मुब्तला हैं। घर तो घर लोगों की, जब माँ बाप, बहन भाई ये सब जानों से चले गए हैं, कितने बड़े जुल्म और सितम की बात है कि ये वो लोग हैं जिनकी जगह कोई भी पुर नहीं कर सकता, जो भी खला है वो पुर नहीं कर सकता। मगर हम उनके कुछ आंसू पोंछ सकते हैं, उनका कुछ सहारा बन सकते हैं। वो है इमदाद कर अपने सैलाबी मुतासरीन बहन भाइयों के साथ थोड़ी मदद करके, जैसी भी हमारी हैसियत है, ख्वाब वो पैसों से लेकर के साजो सामान हो, जिसमें उनके खाने का, पीने का, पहनने का, बच्चों का, औरतों का, मर्दों का, जो भी ज़रूरत का सामान है, हम उनकी थोड़ी बहुत मदद भी कर देंगे ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अपनी मदद आप करनी है, और जो है यहाँ पर कोई किसी की मदद करने वाला नहीं है कि हम किसी को बुलाएंगे, किसी बड़े को, और वो आकर के हमारी मदद करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें अपनी मदद आपके तहत उनकी भी मदद करनी है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि जो आजमाइश उनके साथ हो वो हमारे भी साथ हुई हो जाती तो क्या होता। लेकिन अल्लाह ताला की मर्ज़ी, अल्लाह ताला ने उनसे ये आजमाइश दी, मगर हमारा भी ये आजमाइश का पीरियड है, मतलब हमें भी इस आजमाइश में डाला कि हम उनकी मदद करते हैं या नहीं करते। तो इंशाल्लाह ऐसा होगा कि आप लोग भी मदद करेंगे और मैं भी उनकी मदद करूँगी। तो मेरी वीडियो को वॉच करें, जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।